दोस्तों आज के इस वीडियो में पेटीएम से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। रिसेंट में हमने भी पेटीएम से ही फ्लाइट टिकट बुक किया था और उसके पीछे का वजह यह है कि पेटीएम के ऊपर कैशबैक, डिस्काउंट और बैंक ऑफर हमेशा चलते ही रहते हैं, जिससे हमें काफी फायदा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में प्रॉपर ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और खास करके पैसा आप कैसे बचा सकते हैं ये सब के बारे में बारीकी से बताने वाला हूँ फ्लाइट टिकट बुक करते करते। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन को और लाइव स्टेप बाय स्टेप एक फ्लाइट टिकट अभी बुक करके दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि इस तरीके का फिजिकल बोर्डिंग पास यानी कि फिजिकल टिकट आपको कहां से कलेक्ट करना है, कहां से आपको फ्री में मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहां पे टिकट बुकिंग का सेक्शन दिख जाएगा, यहां पे चले आना है और यहां पे देख लीजिए सबसे पहला ऑप्शन है फ्लाइट टिकट बुकिंग। उसके बाद आ जाता है बस टिकट, ट्रेन टिकट, मूवी टिकट, इवेंट टिकट और होटल, लेकिन हमें फ्लाइट टिकट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा, जहां पे देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वन वे आपको सिलेक्टेड रखना है और राउंड ट्रिप का मतलब ये हुआ कि आपको जाने और आने दोनों का टिकट एक साथ ही बुक करना है, लेकिन यहाँ पे मैं वन वे टिकट बुक करने वाला हूँ, यानी कि सिर्फ जाने का या सिर्फ आने का। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे वन वे सिलेक्टेड रहे। इसी के साथ साथ अगला जाता है आपको कहां से कहां तक जाना है। तो फ्रॉम में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और टू में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ पटना से दिल्ली हमें जाना है, तो फ्रॉम में यहाँ पे हम टैप करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हम टैप करते हैं पटना। तो ये देख लीजिए पटना में जो एयरपोर्ट है यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, तो इसके ऊपर हम टैप करेंगे और ये हमारा पटना एयरपोर्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब टू में हमें जाना है दिल्ली, तो फिर से यहाँ पे टू में हम यहाँ पे दिल्ली सर्च कर लेते हैं, तो देख लीजिए दिल्ली एयरपोर्ट का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर हम टैप कर देते हैं, ये सेलेक्ट हो गया है। अब देख लीजिए किस डेट को आपको जाना है, तो आपको डिपार्चर डेट के ऊपर क्लिक करना है। तो अब देख लीजिए कैलेंडर खुल के आ चुका है और कैलेंडर में आपको प्राइस भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्राइस का मतलब यह है कि इस डेट में सबसे सस्ता फ्लाइट आपको इतने रुपए का मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए देख लीजिए 8 नवंबर का जो ये ग्रीन हमें दिख रहा है 4021 रुपए का, इसका मतलब यह है कि सबसे सस्ता फ्लाइट हमें इतना का मिल जाएगा और इससे महंगा कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम सस्ता वाला फ्लाइट ही बुक करना है, तो यहाँ पे हम डेट के ऊपर टैप कर लेते हैं और सेलेक्ट डेट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब देख लीजिए आपको एक ऑप्शन को इग्नोर करना है, ये वाला ऑप्शन को इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये बता रहा है राउंड ट्रिप भी करना चाहते हो यानी कि आने का भी बुक करना चाहते हो, तो नहीं, हम सिर्फ जाने का ही करेंगे, तो इसे हम कर देते हैं इग्नोर, यहां पे कुछ भी फील नहीं करेंगे। अगला आ जाता है ट्रेवलर एंड केबिन क्लास, इसके ऊपर हमें टैप करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे ट्रेवलर आपको ऐड करना है, एडल्ट यानी कि 12 साल से ज्यादा वाले कितने लोग हैं, तो वो आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करके लोग ऐड कर सकते हैं कितने लोग जा रहे हैं। चिल्ड्रन 2 से 12 साल का कितना है उसके ऊपर यहाँ पे प्लस कर लेंगे तो वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और इन्फेंट 0 से 2 साल के अंदर का जो बच्चा है उसको अगर ले जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बुकिंग कराना पड़ेगा। आप ये ना समझे, ट्रेन वाला सिस्टम ना समझे कि बच्चे को हम ले जा रहे हैं तो कोई भी हमें टिकट नहीं कराना पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, और पैसे भी लगते हैं। मैं अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ रिसेंट में ही ट्रेवल किया हूँ, तो बच्चे का टिकट 1500 रुपए का हुआ था इंडिगो के अंदर, और इंडिगो में फिक्स प्राइस है 1500 रुपए बच्चे का लगेगा ही लगेगा, चाहे आपका टिकट 4000 का हो चाहे आपका टिकट 10000 का। मेरा खुद का टिकट 9000 का था लेकिन बच्चे का 1500 रुपया लगा था। और उसके बाद देख लीजिए हमें ध्यान में ये रखना है, क्लास हमें सेलेक्ट कर लेना है जिसको हम बुक करने वाले हैं, प्रीमियम, इकोनॉमी और बिजनेस को हम इग्नोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इकोनॉमी सेलेक्टेड है और यहाँ पे पर्सन में एक ही पर्सन कर लेता हूँ और उसके बाद डन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे एक चीज ऑप्शनल आ रहा है जो कि आप सेलेक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। इसमें क्या है कि अगर आप स्टूडेंट है तो आपको एक्स्ट्रा लगेज यानी एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है अगर आप आईडी कार्ड शो करते हो तो। दूसरा, अगर आप आर्मी में है या आर्म फोर्स के कोई भी कैटेगरी में आ जाते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन हो गया या फ्रेंड और फैमिली के साथ ट्रेवल करना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है जिसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, काफी लंबा टर्म्स एंड कंडीशन होता है, तो नॉर्मली हम इसको इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए एक और ऑप्शन है कि सो नॉन स्टॉप फ्लाइट ओनली, यानी कि पटना से दिल्ली तक का नॉन स्टॉप फ्लाइट ही हमें दिखाया जाएगा बीच में बदल बदल के। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि पटना से हमें दिल्ली आना है तो पहले पटना से कोलकाता ले जाता है, कोलकाता से दिल्ली लाता है, तो अगर आप नॉन स्टॉप फ्लाइट ही चाहते हैं तो इसके ऊपर टैप कर दे, अदरवाइज इसे मैं अनटैप कर देता हूं, अगर घुमा के ले जाता तो सस्ता में मिलेगा तो ले लेंगे। चलिए फिलहाल ये हमारा डैशबोर्ड हो चुका है कंप्लीट, अब सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। सबसे मेन पॉइंट यही था, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जो कि मैं डिटेल में क्लियर कर दिया हूं। अब देख लीजिए 8 तारीख का सारे फ्लाइट निकल के आ चुके हैं, 8:30 में पटना से चलेगा, 10:15 में दिल्ली पहुंचा देगा, इसी के साथ साथ 12 बजे चलेगा, 1:30 बजे पहुंचाएगा। यहाँ पे मल्टीपल फ्लाइट्स हैं और सभी का रेट ऑलमोस्ट सेम है, आपको हो सकता है रेट अलग अलग दिखे अलग अलग फ्लाइट का, तो मेरे केसेस में यहाँ पे रेट सभी का सेम दिखा रहा है और ऊपर से
324 रुपए का डिस्काउंट आगे मिल जाएगा बुकिंग करते समय। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ ये वाला फ्लाइट हमें बुक करना है, इसके ऊपर हम टैप कर देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको सिल्वर, फ्लेक्सी प्लस और सुपर सिक्सी, अगर ये तीनों को कंपेयर करोगे तो थोड़ा थोड़ा बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर आप एक्स्ट्रा पैसा लगाते हो तो। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर कैटेगरी यानी कि सस्ते वाले में बुक करते हो तो सीट सेलेक्ट करने में चार्ज लगेंगे, हालांकि फ्री वाले भी सीट होते हैं, लेकिन फ्लेक्सी प्लस में आपको सीट का चार्जेस नहीं लिया जाएगा, खाना आपको फ्री में मिलेगा 4500 वाला यानी फ्लेक्सी प्लस में बुक करते हैं तो। सुपर सिक्स ई में खाना भी फ्री मिलेगा, कैंसिलेशन में भी आपको काफी ऑप्शन मिलते हैं यानी कि फ्लाइट कैंसिल करना चाहे तो आपको पैसा नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे सिंपली डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, सिंपली मैं आपको बता दूं ये दोनों ही कैटेगरी को आप इग्नोर करिए। मैं भी हमेशा सिल्वर कैटेगरी यानी कि सस्ते वाले कैटेगरी में ही बुक करता हूं, तो आप इन दोनों को इग्नोर करिए। सिल्वर में ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, नीचे प्रोसीड के ऊपर डायरेक्टली हमें क्लिक कर देना है। अब देख लीजिए आपके फ्लाइट का पूरा डिटेल ब्यूरो यहाँ पे आ चुका है, 8:30 में पटना में फ्लाई करेगा और 10:15 दिल्ली में लैंड करेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो 8:30 समय दिया गया है ये फ्लाई करने का समय है, इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट में आपको बोर्डिंग टाइम से 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन होता है, आप बैगेज जमा कराते हैं और बोर्डिंग गेट तक जाते हैं, और फ्लाइट बोर्ड करने से 25 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद भी हो जाता है, इसीलिए एयरपोर्ट के ऊपर 2 घंटा पहले पहुंचना होता है। तो सिंपली यहां पे मैं ये देखूंगा कि 8:30 बजे का फ्लाइट है यानी कि 6:30 बजे हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होगा, तो कब मैं अपने सिटी से चलूंगा और पटना 6:30 बजे पहुंच जाऊंगा, ये कैलकुलेशन करके ही आपको फ्लाइट टिकट बुक करना है, अदरवाइज आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे टाइमिंग हमने समझ लिया, उसके बाद देखिए फ्लाइट का नंबर ये है 6E2163, ये जो नंबर है ये खास रहने वाला है क्योंकि जैसे ही हम एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचेंगे जगह जगह आपको डिस्प्ले दिखाई देगा, वहां पे फ्लाइट का स्टेटस दिखाया जाएगा, तो वहां पे आपको यही फ्लाइट नंबर मैच करना है और वहां पे पता चलेगा कि फ्लाइट डिले है या पहले है या टाइम पे है, चेक इन ओपन हो गया या बोर्डिंग ओपन हो गया, सब कुछ वहां पे डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिलेंगे, तो ये फ्लाइट नंबर काम में आने वाला है। उसके बाद देखिए इकोनॉमी क्लास यहाँ पे बताया जा रहा है और नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाला है 1 घंटा 45 मिनट का। केबिन बैग यानी कि आप जहां पे सीट पे बैठेंगे उसके ऊपर आप अपने साथ 7 किलो वजन तक का सामान ले जा सकते हैं, और चेक इन बैग जो बेल्ट के ऊपर आप जमा कराते हैं एयरपोर्ट के ऊपर और जहां लैंड करते हैं वहां एयरपोर्ट के ऊपर बेल्ट के ऊपर ही मिल जाता है, वो जो बैगेज का वेट है वो 15 किलो से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये सारे डिटेल आपको क्लियरली मेंशन हुआ यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ पे डेट और दिन भी मेंशन है कि आपका इस दिन का फ्लाइट बुक कर रहे हो आप। चलिए उसके बाद यहाँ पे एक एड ऑन फीचर्स का ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं 439 रुपया देकर के तो आप टिकट कैंसिल करेंगे तो आपसे फीस नहीं लिया जाएगा, हालांकि इसके अभी टर्म्स एंड कंडीशन होता है, सिंपली मैं इसको इग्नोर करता हूं। यहां पे नो आई डो नॉट वांट टू फ्री कैंसिलेशन, ठीक है, इसके ऊपर हम टैप कर देते हैं। उसके बाद देख लीजिए अब यहाँ पे आ जाता है डिस्काउंट कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन, यहाँ पे सिंपली हम व्यू ऑल ऑफर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। नॉर्मली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ऑफर ऑटो सेलेक्टेड है जिसमें 324 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं ऑल ऑफर में जाकर के कि क्या इससे ज्यादा का भी हमें डिस्काउंट मिल सकता है। व्यू ऑल ऑफर के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है और उसके बाद देख लीजिए काफी सारे यहाँ पे कूपन कोड है, इसमें 324 रुपए का डिस्काउंट मिला है, इसमें 495 रुपए का डिस्काउंट मिला है, इसमें 124, 619, तो एक बार मैं देख लेता हूँ सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में है। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट हमें 619 रुपए का मिल रहा है और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा जैसे कि ये जो 619 रुपए का डिस्काउंट है इसे लेने के लिए कंडीशन ये है कि हमें RBL बैंक के क्रेडिट कार्ड से इस टिकट को बुक करना है, वो भी EMI में कन्वर्ट करके बुक करेंगे तभी ये जो 619 रुपए का डिस्काउंट हमें मिलेगा। सेम इसी तरीके से 495 रुपए का डिस्काउंट हमें तब मिलेगा जब हम ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से इस टिकट को बुक करेंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, इंडसइंड बैंक डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन, इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड से बुक करते हैं तो 619 रुपए का डिस्काउंट हमें मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको कूपन कोड यहाँ पे दिखेंगे, आपको डिटेल में पढ़ना है, फटाफट से बुक कर देंगे तो भाई आपका लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैंने इंडसइंड बैंक में 0 बैलेंस अकाउंट खुलाया था, उसका डेबिट कार्ड है मेरे पास, तो इंडसइंड वाला ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पे कार्ड नंबर मांगा जा रहा है तो कार्ड नंबर यहां पे हम डाल देते हैं और अप्लाई ऑफर के ऊपर क्लिक करते हैं और ये फाइनली कूपन अप्लाई हो चुका है। और मुझे उम्मीद नहीं था कि कोटक के 0 बैलेंस अकाउंट के ऊपर जो डेबिट कार्ड हमें मिला है उससे ये डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, उम्मीद नहीं था, लेकिन चलो सक्सेस हो गया है। यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई हो चुका है और इंस्टेंट डिस्काउंट अप्लाई होके 619 रुपए कम होकर के यहाँ पे
3506 रुपए का पेमेंट हमें बन रहा है। चलिए उसके बाद एक दो चीज और देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ये अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो आपके पेटीएम अकाउंट में है वो यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है। हालांकि इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर आपको टिकट का डिटेल भेजा जाता है, जैसे कि ये जो हमारा ईमेल आईडी है, जैसे ही हमारा यहाँ से टिकट बुक होकर के कन्फर्म होता है तो एयरलाइंस के तरफ से यानी इंडिगो के तरफ से हमें टिकट भेजा जाएगा पीडीएफ में। हालांकि इस पेज के ऊपर यानी पेटीएम के ऊपर भी टिकट हमें मिल जाएगा, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ आप कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। चलिए हमारा सब कुछ ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। आप देख लीजिए अगले ऑप्शन में एड पैसेंजर का ऑप्शन आ रहा है, कितने लोग आप ट्रेवल करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट पहले से हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं जिसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और नया से मैं आपको पैसेंजर एड करके दिखाता हूँ। तो एड न्यू पैसेंजर के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट एंड मिडिल नेम डालना है और उसके बाद लास्ट नेम डालना है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी वैलिड आईडी प्रूफ है गवर्नमेंट द्वारा इशू हुआ, सेम एग्जैक्ट वही वर्ड और वही स्पेलिंग के साथ यहाँ पे आपको टिकट बुक करना हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल दिया हूँ, सेव के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे फिर से इंश्योरेंस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे नो आई डू नॉट वांट टू सिक्योर माई ट्रिप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फीचर्स आपको दिए जाते हैं जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस सबको इग्नोर कर रहा हूँ। अब देख लीजिए हमें सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है, आप चाहें तो अभी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वेब चेक इन के समय भी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो आप अभी सेलेक्ट कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए तो यहाँ पे सीट के आगे आपको प्राइस दिख रहा है, इतना प्राइस आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। और अगर आप फ्री वाला सीट चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे मैं स्क्रॉल किया हूं तो यहाँ पे देख लीजिए एंड वाला सीट फ्री वाला है और बीच में भी कुछ फ्री वाले सीट है, तो आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 99 रुपए का भी कुछ सीट है, तो यहाँ पे मैं अपना मनपसंद का विंडो सीट सेलेक्ट करूंगा, तो ये वाला सीट मैं सेलेक्ट करना चाहूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इस साइड से जितने भी सीट है ये सब विंडो सीट है, फिर ये जितने भी सीट है सब विंडो सीट है। चलिए तो यहाँ पे मैं कोई एक सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ, विंडो सीट ये मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ, 5A हमारा सीट है, कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए खाना पीना आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं जो कि आपको फ्लाइट में सर्व किया जाएगा, हालांकि खाना पीना तो रहते थोड़े महंगे ही है, और फ्लाइट के अंदर भी आप परचेज कर सकते हैं लेकिन वहां पे सिर्फ आपको कैश में परचेज करना पड़ेगा, प्राइस सेम ही रहता है। अगर आप ऑनलाइन बुक कर लेते हैं तो थोड़ा सा वहां पे जल्दी खाना मिल जाता आपको। चलिए तो यहाँ पे मील मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्टली हम कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे कुछ एड ऑन फीचर्स दिए जा रहे हैं, अगर आप 3 किलो एक्स्ट्रा सामान ले जाना चाहते हैं तो 1300 रुपए लगेगा, 5 किलो एक्स्ट्रा ले जाना चाहते हैं तो 2250 लगेगा, 10 किलो ले जाना चाहते 4500 लगेगा। तो अगर आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, मैं इसे कुछ भी नहीं करने वाला हूं, डायरेक्टली नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। और अब देख लीजिए फाइनली हमें पेमेंट पेज के ऊपर जाना है और पेमेंट कंफर्म करना है। और यहां पे देखिए ऐड ऑन में 250 रुपए का जो हमने सीट सेलेक्ट किया वो वाला प्राइस ऐड हो चुका है और डिस्काउंट हमारा ऑलरेडी एडेड है 619 रुपए का। तो चलिए डायरेक्टली प्रोसीड टू पे 4055 रुपए के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए हमारा ये कार्ड का नंबर पहले ही डल चुका है, डायरेक्टली हमें एक्सपायरी डेट और सीवीवी डालना है और पे 4055 के ऊपर क्लिक करना है। और यहां पे हमें इसी डेबिट कार्ड से पेमेंट कंफर्म करना पड़ेगा, तभी ये 600 रुपए का जो 619 का जो डिस्काउंट कूपन है ये एक्टिव रहेगा, अदरवाइज दूसरा पेमेंट मेथड से करूंगा तो ये 619 का डिस्काउंट हमें नहीं मिलेगा। तो चलिए ये डिटेल फिल करके पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। वैसे यहाँ पे मैं पेमेंट करके बुक नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ट्रेवल नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हालांकि पेमेंट के एंड पेज के ऊपर ही टिकट जनरेट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अभी तक हमारा टिकट बुक हो चुका है, अब बात रहता है बोर्डिंग पास हमें कहाँ से मिलेगा और वेब चेक इन कैसे करेंगे। देखिए पहली बात तो वेब चेक इन और बोर्डिंग पास दोनों एक ही वर्ड है, चाहे आप बोर्डिंग पास बोले चाहे वेब चेक इन बोले। तो फ्लाइट बोर्डिंग का जो समय है उससे 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है, आपको वेब चेक इन करना पड़ता है जहां पे आपको बोर्डिंग पास डाउनलोड हो जाता है। और मोबाइल से जो बोर्डिंग पास डाउनलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, और अगर आपको ये इस तरीके का फिजिकल चाहिए तो आप एयरपोर्ट के ऊपर जाकर के, अगर आप इंडिगो से ट्रेवल करना चाहते हैं तो इंडिगो के काउंटर पर जाएंगे, बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो आपका वो पीएनआर नंबर देख करके प्रिंट करके ये आपको बोर्डिंग पास फिजिकल वाला दे देंगे। वैसे आप चाहे तो मोबाइल में दिखा करके भी ट्रेवल कर सकते हैं, और अगर फिजिकल लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शनल है, कोई से भी आपका काम चल जाएगा। तो बस दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से पेटीएम से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियोस में, तब तक लिए नमस्कार।